गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद। तो जैसा कि हम पिछले चैप्टर पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि जो करंट होती है वो डीसी करंट होती है। डीसी करंट मतलब कि ऐसी करंट जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ वैरी ना करे, तो उस कांस्टेंट करंट को डीसी करंट कहते हैं। और उसका ग्राफ भी हमें पता है कि डीसी करंट का टाइम के साथ वेरिएशन कैसे होगा। तो उसी करंट को कंसीडर करके हम यहाँ नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मूविंग चार्जेज, जो मूविंग चार्जेज हैं वो हम क्या मानेंगे, एक कांस्टेंट वे में अगर फ्लो करें, चार्ज का जो फ्लो है वो वैरी ना करे, कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज विच डज नॉट वैरी विथ टाइम, देन इट क्रिएट डीसी करंट। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर कहीं चार्ज कांस्टेंट वे में फ्लो हो रहा है, या सीधे सीधे कहें इसको करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, किसी वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, एंड दैट करंट किस तरह का है, ये डीसी करंट है, डीसी डायरेक्ट करंट। तो अगर डायरेक्ट करंट है किसी करंट कैरिंग वायर में, और उस वायर के पास हम ये क्या रख दें, ला करके एक मैग्नेटिक नीडल रख दें, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है। मतलब इस करंट कैरिंग वायर के नाते जो पास में हम मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, इसमें क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल होता है, तो क्या होता है, ये करंट के वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब कि ये करंट कैरिंग वायर जो है अपने चारों तरफ कोई फील्ड क्रिएट किए हुए है, इसके नाते ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे कोई अगर मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल इसमें है, इसके पास हम क्या लिए, मैग्नेटिक नीडल ले जाएं तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर यहाँ करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक नीडल ले जा रहे हैं और वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएटेड है। तो सबसे पहले इसका पता किसने बताया, एक साइंटिस्ट है ओरेस्टेड, उन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंट करके कि अगर करंट कैरिंग वायर के पास क्या है, नीडल, मैग्नेटिक नीडल ले जाएं, तो उसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएटेड होता है जिसके नाते मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ओवरऑल पॉइंट पे आते हैं, तो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड रहता है। तो अब उसी फील्ड को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, द फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू डीसी करंट। तो ये जो फील्ड क्रिएट होगा इसी को हमें पढ़ना है। ये चैप्टर हमारा है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज जो चार्ज मोशन में हो जाएंगे, हम रेस्ट में कंसीडर नहीं करना है, तो मोशन में चार्ज होंगे तो वो कैसा, एक डीसी करंट जनरेट करेंगे, और इस करंट के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएटेड होगी जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हमें इसमें पढ़ना है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपली क्या है, जैसे हम मैग्नेट जानते हैं तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएटेड रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उस रीजन को जो मैग्नेट के चारों तरफ एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम साथ साथ अब लिखते चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डीसी करंट से जो फील्ड क्रिएट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। जो हमारा यहाँ करंट है वो डीसी कांस्टेंट है, टाइम साथ वैरी नहीं कर रहा है, इसलिए उससे जो क्रिएटेड फील्ड होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए डिफाइन करें, द रीजन अराउंड गिवन मैग्नेट, द रीजन अराउंड ए
गिवेन मैग्नेट, कोई मैग्नेट ले रहे हैं जिसमें नॉर्थ साउथ पोल होगा, द रीजन अराउंड गिवेन मैग्नेट इन विच अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट में जैसे डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सिंपली मान लीजिए आयरन, तो क्या होगा वो, द रीजन अराउंड गिवेन मैग्नेट इन विच अदर ऑब्जेक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लीजिए जैसे आयरन एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो उस रीजन को क्या कहेंगे जो चारों तरफ मैग्नेट के, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो फिगर बनाना नहीं है, समझने के लिए है। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस क्रिएटेड रहती हैं, और इसी फील्ड लाइंस जो रीजन फॉर्म होता है मैग्नेट के चारों, उसी को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो ये डिफिनीशन लिख लेंगे इसमें, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। हमें लेकिन इस चैप्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड देखना है ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर, और दैट करेंट कैरिंग वायर मस्ट बी ए डीसी करेंट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे, तो उस पर फोर्स लगेगा, दैट इज टर्म मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है कि मान लिया कोई एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। पहले से वहाँ पर मान लिया हमने फील्ड मौजूद है, पहले से फील्ड क्रिएटेड है, तो फील्ड क्रिएटेड मतलब किसी सोर्स से वो फील्ड क्रिएटेड किया गया होगा वहाँ पे, और उसमें एक चार्ज को ऐसे मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी वी। तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या होगा। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है, फार्मूला। तो इसमें लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स में, इफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू, चार्ज पार्टिकल क्या लिया हमने क्यू, मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, वी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड पहले से क्रिएटेड है, एक चार्ज क्यू है जो वी वेलोसिटी से फील्ड में इंटर किया, मूव कर रहा है, देन मैग्नेटिक फोर्स acting on the charge particle magnetic force acting on the charge particle
यहाँ तक नोट कर लेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल फील्ड में मूव कर रहा है इस तरह से, तो उस पर कितना फोर्स लगता है ये हम कंसिडर निकालेंगे। देन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय, तो हम इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस ऑफ बी, ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स का वैल्यू होगा। वेक्टर फॉर्म से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन भी हमें पता चल जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, और इससे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म जो हम 11th में पढ़े हैं उसी का यूज करेंगे हम। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा चार्ज पार्टिकल पे, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस ऑफ बी, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म में लिखने से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चलेगा उस फोर्स का जो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है। तब अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में लिख दें तो क्या होगा वैल्यू, इज मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी की वैल्यू उसी तरह लिखेंगे जैसे हम ए क्रॉस बी पढ़े हैं 11th में, दो वेक्टर एक ए है एक बी है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता क्या, ए बी साइन थीटा। हम पढ़े हैं कि जो ए क्रॉस बी होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जो डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर। तो हमें ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी मतलब वी बी साइन थीटा। तो ये फोर्स का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म। अब हमें इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा उसी को लिखना है, क्या क्या कंडीशन कंक्लूजन आएंगे, कब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा फील्ड में, कब चार्ज पार्टिकल फोर्स नहीं लगेगा, कब फोर्स मैक्सिमम लगेगा, ये सब केस हम यहाँ से निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्यू वी बी एंड थीटा। तो हमें अब यहाँ तक पता चल गया कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन वेक्टर फॉर्म एंड इन मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमें कंक्लूजन देखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में थीटा 0 या 180 डिग्री पर इंटर करे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, या चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, ये हमें यहाँ इस रिजल्ट के बाद फाइंड आउट करना है। ये जो मैग्नीट्यूड में हमारा रिजल्ट आया है, तो इसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे, व्हाट कंक्लूजन वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, इसमें हम ये मान रहे हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट, चार्ज पार्टिकल क्या हो जाए, रेस्ट में हो जाए, रेस्ट मतलब स्पीड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाए, तो कितना फोर्स लगेगा, इस पर हम यहाँ इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट देन मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो सीधे हम इसका सिंबल लिख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स का, एफ इक्वल टू वी यहाँ 0 रख देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा फील्ड में, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। तो ये रिजल्ट हमारा पता चला इस मैग्नीट्यूड फार्मूले के अकॉर्डिंग कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन।
इसी तरह हम और कंक्लूजन देखेंगे क्या क्या मिल सकता है। दूसरा क्या कर दें, अगर यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री या 180 डिग्री कर दें, थीटा क्या है यहाँ पे, जो कि एंगल है बिटवीन वेलोसिटी बी एंड मैग्नेटिक फील्ड डी, तो अगर थीटा 0 या 180 करें तो क्या होगा, तो इसके लिए हम रिजल्ट लिखेंगे। तो ये यहाँ फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्यू चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा वी और बी के बीच एंगल है, इसको भी हम लिख देंगे लास्ट में चाहे। तो अब नेक्स्ट केस ले रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा फोर्स का कंडीशन, देन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ से इस एक्सप्रेशन से, एफ इक्वल टू, तो 0 या 180 रखेंगे तो साइन 0 या साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो हमारा फोर्स की वैल्यू फिर अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से, एफ इक्वल टू 0, मतलब अब इस कंडीशन में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टर है और इधर ही चार्ज पार्टिकल जा रहा है इसे, या इसके जस्ट ऐसे अपोजिट आ रहा है 180 डिग्री पर, तो उस कंडीशन में भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स 0 ही रहेगा, क्योंकि थीटा क्या है एंगल बिटवीन बी एंड बी, और साइन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया उससे हम लिख दिए। तीसरा रिजल्ट है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, इस मैग्नीट्यूड के फार्मूले से हम फाइंड करेंगे व्हाट विल बी द मैक्सिमम फोर्स। तो लिखेंगे थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल पे 90 डिग्री के लिए, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से फोर्स की जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो कितनी होगी क्यू वी बी साइन 90 दैट इज 1, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो कब ऐसा होगा, जब थीटा 90 डिग्री पर रहेगा तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया कि मैक्सिमम कब होगा फोर्स। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे कंक्लूजन्स। कब फोर्स 0 है, कब फोर्स मैक्सिमम है। तो अभी हम खाली मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करके फोर्स को क्या वैल्यू होगी ये देख रहे हैं। यहाँ तक नोट कर लेंगे पहले। उसके बाद एक कंडीशन लिखना कि चार्ज पार्टिकल मूव्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों तरह का अगर फील्ड क्रिएटेड हो वहाँ पे और उसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, तो वहाँ पे जो फोर्स होता है उस फोर्स का क्या नाम होगा और कितना होगा ये हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगे हुए हैं एक साथ कहीं पर और उसमें वो मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और क्या होगा उसका वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन। तो इसके बाद लिखेंगे
इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों तरह का अगर फील्ड क्रिएटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड जैसा ड्यू टू मैग्नेट या ड्यू टू करंट कैरिंग वायर क्रिएटेड रहेगा, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तब उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स कहेंगे। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है इसको हम लिखेंगे, का लॉरेंज फोर्स विच इज गिवन बाई विच इज गिवन बाई क्या होगा, एफ इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी रहेगा इसमें साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, तो क्या हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस ऑफ बी। तो दो फोर्स का पार्ट है यहाँ पे, टोटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह जो टोटल फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे उसको हम लॉरेंज फोर्स कहेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे, जिसमें कि लॉरेंज फोर्स के बारे में बताया गया कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स व्हेन इट इज क्रिएटेड, क्या कंडीशन होना चाहिए इसके लिए। तो लॉरेंज फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वी प्लस क्यू वी क्रॉस ऑफ वी, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अगर यहाँ से हम Q को कॉमन ले लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर E प्लस V क्रॉस ऑफ B। ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट से कर देते हैं। तो एक कंडीशन इसमें आप देख सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल अगर क्या हो जाए वहाँ पे रेस्ट में हो जाए तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का टर्म जीरो होगा, खाली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा उस पर। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएटेड हैं, तो फोर्स जो होगा वो खाली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा। इसी तरह है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ पे जीरो कर दिया जाए, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन जो लॉरेंज फोर्स होगा विल बी इक्वल टू लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, खाली मैग्नेटिक फोर्स का टर्म बचेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म जीरो कर दें यहाँ से, तो जो लॉरेंज फोर्स होगा विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस ऑफ बी एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंज फोर्स। इसका हमें आगे एग्जाम यूज करना होगा, इसलिए लिख लिया गया यहाँ पे। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे लॉरेंज फोर्स के लिए। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट देखना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जैसे फील्ड हमारा किसी इस तरह से दिखाएं, प्लेन में तो ऐसे दिखा दें कि हाँ ये फील्ड ऐसे डायरेक्टेड है ओरिएंटल डायरेक्शन में, या फील्ड हमारा यहाँ इसी प्लेन में वर्टिकल डायरेक्शन में से डायरेक्टेड है ओरिएंटल वर्टिकल। लेकिन अगर हमारा फील्ड इस प्लेन के ब्लैकबोर्ड का जो प्लेन इसके आउटवर्ड हो परपेंडिकुलरली या इनवर्ड हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको हम बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसके लिए हम एक पर्टिकुलर सिंबल यूज करते हैं। अगर फील्ड हमारा ब्लैकबोर्ड का जो प्लेन है या कॉपी है उसके नॉर्मली इनवर्ड या आउटवर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सिंबल यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसी के लिए हमें करना होगा आगे, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर सिंबल इज यूज। तो हेडिंग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये फील्ड कौन सा होगा जो करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, इसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज करना है। तो ये हेडिंग लिख लेंगे। अब इसमें यही है कि इस तरह का डायरेक्शन दिख रहा है फील्ड, अगर बी सिंबल मतलब मैग्नेटिक फील्ड का दिखा रहा प्लेन में अपवर्ड, प्लेन में हॉरिजेंटल है फील्ड, बट आउटवर्ड इनवर्ड नहीं पता चलेगा, तो इसके लिए सिंबल यूज करेंगे। तो इसमें एक सिंबल होता है क्रॉस सिंबल, ऐसे क्रॉस लिख करके अगर यहाँ हमने इसे बी लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम पहले पढ़ लेंगे। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, क्रॉस एक सर्किल में बना के अगर हमने बी लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पूरे चैप्टर में हम इसको किस तरह का फील्ड कंसीडर करेंगे ये हम पहले लिख लेंगे। तो अब इसमें लिखना है ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा। बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, किधर बताएगा ये लिखना में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। हमें कॉपी के अकॉर्डिंग समझना है कि कॉपी के अकॉर्डिंग इसका क्या डायरेक्शन है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करेगा कि अगर हमारा कॉपी ऐसे प्लेन में है जिसे हम लिखते हैं तो इस तरह का सिंबल बनाए, मतलब जो फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट है वहाँ पे, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरह फील्ड ये बताएगा कि लगा हुआ है, मतलब फील्ड लाइन से नीचे जा रही हैं कॉपी में, अगर इस तरह का सिंबल हमने बनाया है तो। तो ये पूरे चैप्टर में इसे कंसीडर करके चलेंगे। फिर इसी तरह एक दूसरा है डॉट, एक सर्किल में बना दिया हमने और ये लिख दिया बी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो हम प्लेन में बना नहीं पाएंगे तो उसको हम पर्टिकुलर सिंबल से यूज करेंगे। तो क्या डॉट क्रॉस ले रहे हैं इसे हम थोड़ा समझ सकते हैं अभी, तो ये लिख चुके होंगे इसको, ये क्या बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे फिर तो हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं इसको, ये थोड़ा सा चेंजिंग होगा। इसके बाद लिखेंगे अब डॉट बी,
सर्किल में डॉट फिर भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ ये फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारे प्लेन ऑफ पेपर है तो इसे फील्ड अपवर्ड ऐसे ऊपर की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, प्लेन ऑफ पेपर में नीचे सारे ऊपर ऐसे जा रही हैं वर्टिकली अपवर्ड। तो ये भी सिंबल नोट कर लेंगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। तो ये दोनों सिंबल पूरे चैप्टर में यूज करना है, इसलिए इसको हम पहले समझ लिए कि क्या रिप्रेजेंट करेगा और क्या डायरेक्शन होगा। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों सिंबल, उसी तरह अगर हम कहीं करंट के लिए बनाएंगे तो वो भी इसी तरह रिप्रेजेंट करेगा, करंट को बताएगा। जैसे हमने इस तरह अगर लिख दिया डॉट आई, लिखना नहीं खाली समझ लेंगे, तो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। अगर हमने इस तरह सिंबल बी के जगह पे आई लिख दिया तो डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। इसी तरह अगर हमने क्रॉस आई ऐसे लिख दिया सर्किल में तो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। तो करंट के लिए भी यही सिंबल यूज कर लेंगे, लेकिन फील्ड का खाली यहाँ दिखाए हैं।